हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग जो चैप्टर बात करने जा रहे हैं वो है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने जो भी डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ा, डिमांड एंड सप्लाई को कंबाइन करते हुए हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर बनता है। मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको डिमांड एंड सप्लाई आना चाहिए, बट हाँ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिक कॉन्सेप्ट में से केवल ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई को समझना बहुत ही सिंपल है, केवल ये याद रखना है कि प्राइस जब इंक्रीज करता है तो डिमांड डिक्रीज करती है, और प्राइस जब आपका डिक्रीज करता है तो डिमांड क्या करती है, इंक्रीज करती है। सो बेसिकली प्राइस और डिमांड में कैसा रिश्ता होता है, नेगेटिव या इनवर्स या इनडायरेक्ट। एज इट इज जब हम लोग बात करेंगे सप्लाई के बारे में, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है कि जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो सप्लाई भी इंक्रीज करती है, जब प्राइस डिक्रीज करता है तो सप्लाई भी डिक्रीज करती है, यानी कि प्राइस एंड सप्लाई आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, थर्ड थिंग जो आपको जानना है वो ये जानना है कि देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन जब करती है तो चैप्टर पूरा का पूरा या तो कहे इसका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, या पूरा का पूरा चैप्टर शिफ्ट हो जाता है आपका प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के ऊपर। ठीक है, सो कंप्लीट वीडियो वॉच करिए और पूरा का पूरा मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, और सबसे खास बात यह है कि इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम को समझना है तो यहाँ पर दो बातें आती है, एक आता है आपका मार्केट एंड सेकेंड थिंग आता है आपका इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले आप मार्केट का मतलब समझ लो कि क्या होता है। एक हो गया मार्केट और मैंने एक सेकेंड थिंग बोला इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो मार्केट वर्ड का मतलब होता है कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर एंड सेलर दे मीट टू ईच अदर एंड दे सोल्ड देयर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजिशन है जहां पर आप सिंपली कह सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, अब डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब समझिएगा, मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर क्या होता है, डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है। अब यहां पर जब भी हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैं मोटा मोटी 3 एजम्पशन लेता हूं। एजम्पशन मतलब कि ये चीजें इस तरीके से ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो आपका फर्स्ट एजम्पशन आ जाता है वो ये आता है कि लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल। ठीक है, क्या होता है आपका, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है, और लॉ ऑफ डिमांड को मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। पॉइंट नंबर 2 मैं कहता हूं कि लॉ ऑफ सप्लाई इज एप्लीकेबल। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 मैं कहता हूं यहां पर आप लोगों का जो कि बहुत मस्ट है, देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जैसे ही इंटरवेंट करेगी मार्केट के अंदर तो चैप्टर जो होगा वो आपका काफी अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। इंटरवेंशन तभी होगा जब मार्केट कंट्रोल नहीं होती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम की। मार्केट इक्विलिब्रियम को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल ले रहा हूँ। हाइपोथेटिकल शेड्यूल मैं इसलिए बोलता हूँ बार बार कि हाइपोथेटिकल एक एजम्पशन बेस्ड शेड्यूल होता है जो कि हम कैसे भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सपोज करिए कि प्राइस ले लीजिए 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो आपको पता है यहाँ पर ले लेते हैं डिमांड और यहाँ पर ले लेते हैं सप्लाई। ठीक है, अब देखिएगा प्राइस जैसे जैसे डिक्लाइन कर रहा है, तो मैंने क्या समझाया यहाँ पर कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि प्राइस के इंक्रीज करने से डिमांड डिक्रीज करता है एंड प्राइस के डिक्रीज करने से डिमांड इंक्रीज करता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या स्टेट करता है यहाँ पर देखिएगा, जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो सप्लाई क्या करेगा आप लोगों का, इंक्रीज करेगा, और जब प्राइस डिक्रीज करेगा तो सप्लाई भी क्या करेगा, डिक्रीज। यानी कि इन दोनों के बीच कैसा रिश्ता होता है आपका, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होता है आपका, नेगेटिव। ठीक है, देखिए अब डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ले लीजिए 10, 20, 30, 40 एंड देन 50, और यहाँ पर ले लीजिए 50, 40, 30, 20 एंड देन 10। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि प्राइस क्या कर रहा है, जैसे जैसे डिक्लाइन कर रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, डिमांड इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे प्राइस डिक्लाइन कर रहा है वैसे सप्लाई क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। अब मार्केट इक्विलिब्रियम बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आप ध्यान से देखिए, जब प्राइस आपका 3 रुपीज है तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि इस प्राइस पर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल है। यानी कि हम कहें तो यहाँ पर मार्केट डिमांड इक्वल्स टू किसके है, मार्केट सप्लाई के, या फिर आप चाहे तो कह सकते हैं कि डिमांड इक्वल्स टू है सप्लाई। इसके ऊपर वाली जो जो सिचुएशन है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप कह पाएंगे कि डिमांड के कंपैरिजन सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड के कंपैरिजन सप्लाई ज़्यादा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप कह पाएंगे कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई के कंपैरिजन। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। ठीक है, एक्सेस सप्लाई। अब आपको फिलहाल ये समझना है कि एक्सेस सप्लाई क्या होता है और एक्सेस डिमांड क्या होता है और मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है,
सेम चीज़ जब हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, तो ग्राफिकली जब आप प्लॉट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाई देगा, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा जीरो, ये रहा वाई, ये रहा आपका डिमांड कर्व और ये रहा आपका ये रहा आपका सप्लाई कर्व, ठीक है, और ये रहा आपका डिमांड कर्व, डन। तो यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, सो दैट पॉइंट इज नॉन एज मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी कि ये क्या है आपका SS यानी कि सप्लाई कर्व, ये क्या है DD यानी कि डिमांड कर्व। ये OP को हमने क्या कहा और OQ को क्या कहा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छे से। देखिए जब प्राइस मार्केट में 3 रुपीज है तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई क्या है एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, और OP क्या है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, और OQ क्या है आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या देख रहे हैं आप एक दूसरे के इक्वल है, इसे ही कहते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। जब भी आप इस डायग्राम के बारे में केवल बात करते हैं या मार्केट इक्विलिब्रियम का ओवरव्यू समझते हैं, तो मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट सिचुएशन व्हेन मार्केट डिमांड इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई, या मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट सिचुएशन व्हेन डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, ठीक है। अब आप समझिएगा कि मार्केट इक्विलिब्रियम को जब भी आप एलोबरेट करने जा रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर हमने 3 अजम्पशन ली हुई है। फर्स्ट अजम्पशन हमारा कि लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है, सेकंड अजम्पशन है कि हमारा लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होता है, एंड थर्ड अजम्पशन हो गया हमारा कि नो इंटरवेंशन या देर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि हम मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को कैसे समझ सकते हैं, तो मार्केट इक्विलिब्रियम को सिचुएशन को समझने के लिए हमारे पास एक तो शेड्यूल होता है मार्केट, डिमांड शेड्यूल और सप्लाई शेड्यूल, और एक हमारे पास इसका कर्व होता है। तो हमने जब शेड्यूल के हिसाब से देखा तो हमारे को सिंपल समझ में आता है कि एट द 3 लेवल ऑफ प्राइस मार्केट डिमांड इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई बिकॉज 30-30, ठीक है। और एट द अब यहाँ पर 5 और 4 जब प्राइस है तो आप क्या देख रहे हैं कि डिमांड केवल 10 और 20 हो रही है और सप्लाई क्या हो रही है 50 और 40 हो रही है। सेम एज इट इज यहाँ पर इस लेवल पे देखिएगा जब प्राइस आपका 2 और 1 है तो डिमांड यहाँ पे ज्यादा हो रही है और सप्लाई क्या हो रही है कम हो रही है। तो एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है, तो एक्सेस डिमांड का मतलब होता है कि वेन मार्केट डिमांड एक्सीड मार्केट सप्लाई, और यू कैन से वेन डिमांड एक्सीड सप्लाई, और सेम एज इट इज एक्सेस सप्लाई को कैसे समझाएंगे, वेन मार्केट सप्लाई एक्सीड मार्केट डिमांड, और यू कैन सिंपली से वेन सप्लाई एक्सीड डिमांड, सो दैट इज नॉन एज एक्सेस सप्लाई, ठीक है, और एक्सेस डिमांड। अब यहां पर समझना कि अगर आप इस पॉइंट के थ्रू रेफर करेंगे तो E इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड OP इज अ इक्विलिब्रियम प्राइस, ध्यान देना OP इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड E इज अ मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अब ध्यान देना, सपोज करो कि प्राइस यहां पर हो, ठीक है, और सपोज करो कि प्राइस आपकी यहां पर है, तो यहां पर और यहां पर क्या फर्क है, देखिए अगर मैं थोड़ा सा मार्क करूं तो ये इसको यहां पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, और मैं इसको सेम चीज को मार्क करता हूं आगे ले जाऊं, तो यानी कि सप्लाई कर्व को यहां इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो हमने मार्केट इक्विलिब्रियम को समझा, और यहां पर ध्यान से देना कि मैं क्या कह रहा हूं, एक तो इसने यहां पर इसको इंटरसेक्ट करा, यहां पे सप्लाई इस वाले प्राइस, देखो ध्यान देना कि मैंने 2 प्राइस मार्क कर दी, एक तो P1 मार्क कर दिया और एक मैंने P0 मार्क कर दिया। तो एक तो देखो जब प्राइस अपना P1 है मार्केट के अंदर, या तो 5 वाला आप कह सकते हो यहां पर, ठीक है, तो यहां पर देखोगे कि इतनी डिमांड है और इतनी क्या है सप्लाई है, और मैं जब प्राइस अगर बात करूं 1 रुपीज वाले में तो 1 रुपीज प्राइस पर क्या है इतनी सप्लाई है एंड इतनी क्या है आप लोगों की डिमांड है। अब इसको क्या करो यहां पर मिला दो, तो ये जो हिस्सा होता है आपका, ठीक है, तो ये होता है आपका एक्सेस डिमांड, और ये वाला जो हिस्सा है आपका वो होता है एक्सेस सप्लाई, ठीक है, एक्सेस सप्लाई। आप चाहे तो इसको शेडेड करके भी दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है आपका, देखो इतनी प्राइस है आपकी, ठीक है, इतने प्राइस पर केवल इतनी डिमांड हो रही है और इतनी क्या हो रही है सप्लाई, सेम एज इट इज इतनी प्राइस है आपकी तो इतने प्राइस पर क्या हो रहा है इतना सप्लाई हो रहा है और इतना डिमांड। अब ध्यान देना कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को रीड करना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो यहां पर एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन नहीं होती है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होता है। आप चाहो तो इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हो, इसका आर दे दो नाम, इसका एस दे दो, इसका टी दे दो, इसका नाम क्यू दे दो, तो जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, यानी कि RES क्या है एक्सेस सप्लाई को इंडिकेट कर रही है, और आप यहां पे कहना चाहे तो ETQ क्या है आपका एक्सेस डिमांड को रिप्रेजेंट कर रही है। या सिंपली अगर आपको अगर इसको याद रखना है तो आप अपने सर के ऊपर देखिए, छत दिखाई देगा आपको, तो छत के ऊपर वाली जो सिचुएशन होती है वो होती है एक्सेस सप्लाई, और जो आपका छत ये इक्विलिब्रियम प्रदान कर रहा है एक तरीके से, इक्विलिब्रियम दिखा रहा है, और छत से नीचे वाली जो सिचुएशन होगी आपकी वो क्या होगी एक्सेस डिमांड की। देन अब यहां पर एक बात समझिएगा कि जब 2 सिचुएशन होती है, एक होती है एक्सेस सप्लाई और दूसरी होती है आपकी एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को टैकल करना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को जब हम लोग टैकल करते हैं तब मजबूरन गवर्नमेंट को इंटरवेंट करना पड़ता है, और दैट इज कॉल्ड आपका डायरेक्ट कंट्रोल। तो डायरेक्ट कंट्रोल बोले या प्राइस सीलिंग बोले हम लोग उसे, या प्राइस कंट्रोल बोले, तो वो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन आज की वीडियो में हम ये देखेंगे अब कि मान लो कि मार्केट इक्विलिब्रियम में है, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है।
मान लो कि मार्केट इक्विलिब्रियम में है। मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपका ये वाला स्टेज, ठीक है। अब मार्केट इक्विलिब्रियम में है यहाँ पर, अब यहाँ पर सपोज करो कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ध्यान देना कि अब जब हम बात करेंगे, तो हम जब बात करने जा रहे हैं तो मार्केट इक्विलिब्रियम हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा मार्केट किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। और बाकी के फैक्टर्स यानी कि अदर फैक्टर्स, अब यहाँ पर याद आएगा आप लोगों को अदर फैक्टर्स का मतलब क्या है। तो अदर फैक्टर्स याद करो, उस दिन मैंने आप लोगों को डिमांड वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ और सप्लाई वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो डिमांड के जितने भी अदर फैक्टर्स थे याद है क्या है, चलो बोलो मेरे साथ, पी एक्स, पी आर, पी एन पी, वाई, वाई डी, जेड एटसेट्रा, ठीक है। और सप्लाई के फैक्टर में जब जाते हैं तो क्या थे आपके फैक्टर में, पी एक्स, पी आर, टैक्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, गोल ऑफ फर्म, नंबर ऑफ फर्म, प्राइस ऑफ इनपुट। तो कुल मिलाकर के यहाँ से कम नहीं भी नहीं तो 50 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर रहेगी तो 50 के 50 क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं। तो यहाँ पर डिमांड के फैक्टर्स क्या क्या थे, प्राइस ऑफ एक्स को छोड़ देना है, यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स को छोड़ देना है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए आपके अदर फैक्टर्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टैक्स, सॉरी टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, गोल ऑफ फर्म, नंबर ऑफ फर्म और प्राइस ऑफ इनपुट। अब होगा क्या, मार्केट इक्विलिब्रियम में रहेगी, अदर फैक्टर्स क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब अदर फैक्टर्स में ध्यान देना, हो सकता है कि खाली डिमांड अफेक्ट करे, हो सकता है खाली सप्लाई अफेक्ट करे, हो सकता है कि डिमांड और सप्लाई दोनों अफेक्ट करे। तो डिमांड और सप्लाई जब दोनों अफेक्ट करेगा, ध्यान देना कि हम मार्केट इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करेंगे तो दो बातें याद रखो। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखोगे कि जब भी एक साइड तो ये होता है कि केवल डिमांड अफेक्ट करेगा, दूसरा साइड ये हो सकता है कि केवल सप्लाई अफेक्ट करेगा, तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि डिमांड और सप्लाई दोनों साथ में अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस चेंजेस। जब भी आप मार्केट इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन करने जाएंगे 6 मार्क्स का, तो एक चीज दिमाग में बिठा लो कि हमेशा इस क्वेश्चन में वो आपको कहेगा कि शो द चैन इफेक्ट, ठीक है। चैन इफेक्ट जहां पर देखेंगे वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि दिस वन इज द मार्केट इक्विलिब्रियम क्वेश्चन। और मार्केट इक्विलिब्रियम के दो लेवल होते हैं क्वेश्चन पूछने के, या तो वो सिंपल पूछेगा आपसे क्वेश्चन, या सिंपल ना पूछ के यहां पर वो घुस जाएगा, यानी कि सारे फैक्टर्स में। वो सारे फैक्टर्स के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा अगर टाइम मिलेगा, या देखेंगे वीडियो ज्यादा लंबी नहीं जाएगी तो। अदरवाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं अब आगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम में कैसे कैसे आपके चेंजेस आते हैं, ठीक है। सो तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जो भी आप लोगों को उतारना है यहां से, ठीक है। देखिएगा, तो यहां पर मैंने एक सेंटेंस कहा था आपको कि मार्केट हमारी इक्विलिब्रियम में है। अब मार्केट इक्विलिब्रियम में होने के बाद क्या होगा कि अदर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लेकिन अदर दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या तो वो सिंपली कहेगा कि अदर फैक्टर्स में चेंजेस आने के कारण या तो डिमांड इंक्रीज करी है या सप्लाई इंक्रीज करी है। लेकिन एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि साइमल्टेनियस जब भी बोलेगा, वैसे साइमल्टेनियस नहीं पूछता है, लेकिन बीइंग अ क्लास 11th स्टूडेंट्स हो सकता है कि साइमल्टेनियस चेंजेस आपसे वो पूछे, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से कि मैं कहता हूं कि मार्केट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सो दिस वन इज अ मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ठीक है। आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम में है, अब क्या क्या चेंजेस आपके हो सकते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम में होने के बाद, तो ध्यान देना इधर। मार्केट इक्विलिब्रियम में होने के बाद सबसे पहला केस यानी कि केस नंबर 1 क्या हो सकता है आपका, सबसे पहले समझना कि डिमांड इंक्रीज कर सकता है, डिमांड डिक्रीज कर सकता है, सप्लाई इंक्रीज कर सकती है, सप्लाई डिक्रीज कर सकती है। इन चारों में से किसी भी एक टॉपिक पे आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिमाग में बिठा लो। अब बात करते हैं केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 में क्या बोल सकता है, ध्यान देना यहां पर कि अब वो कह सकता है कि डिमांड भी इंक्रीज कर रही है और सप्लाई भी इंक्रीज कर रही है, दैट इज नोन एज साइमल्टेनियस, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोल सकता है डिमांड डिक्रीज कर रही है एंड देन सप्लाई भी डिक्रीज कर रही है। पॉइंट नंबर 3 हो सकता है कि डिमांड इंक्रीज कर रही है, सप्लाई डिक्रीज कर रही है। पॉइंट नंबर 4 डिमांड डिक्रीज कर रही है, सप्लाई इंक्रीज कर रही है, ठीक है। सो देर आर 4 सिचुएशन, यानी कि इसका नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है। यहां पर ए बी सी डी, एक और कैटेगरी बनाता हूं, दैट इज कॉल्ड केस 3। वैसे तो केस 3 नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग बना सकते हैं। यहां पर क्या होगा, देखो मान लो डिमांड ज्यादा इंक्रीज कर जाए, सप्लाई कम इंक्रीज करे, मान लो डिमांड ज्यादा डिक्रीज कर जाए, सप्लाई कम डिक्रीज करे, ठीक है। यहां पर 3rd का ए, 3rd का बी, 3rd का सी। अब देखिए, हो सकता है कि डिमांड कम डिक्रीज करे और सप्लाई ज्यादा डिक्रीज कर जाए। पॉइंट नंबर डी, हो सकता है कि डिमांड कम इंक्रीज करे और सप्लाई ज्यादा इंक्रीज कर जाए, ठीक है। तो देखना, वैसे तो अगर मैं कहूं स्टार लगाता हूं यहां पर, केस 1 में ज्यादा चांस है क्वेश्चन पूछने के, केस 2 में अगर वो घुसेगा तो वो आपसे कोशिश करना कि 1 मार्क से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इनमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, अगर वो यहां पर अटैक नहीं करेगा तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जो अदर फैक्टर्स मैंने बताया कि मान लीजिए कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज करती है तो इससे नॉर्मल गुड्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है और मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखो ध्यान से,
मैं यहां से दो केस ले रहा हूं, एक तो डिमांड इंक्रीज कर दे रहा हूं और एक बार सप्लाई डिक्रीज कर दे रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान देना, अब केस नंबर टू में मैं क्या सिखा रहा हूं, एक तो मैं डिमांड इंक्रीज और सप्लाई इंक्रीज वाला ले लेता हूं और एक डिमांड इंक्रीज और सप्लाई डिक्रीज वाला ले लेता हूं। अब केस नंबर थ्री से मान लो कोई सा भी एक केस लेता हूं, क्योंकि सिमिलर ही केस लगेंगे आपके, ठीक है। इन केस की मैं डायग्राम बना रहा हूं, फिर डायग्राम पहले समझा रहा हूं डायग्राम कैसे बनता है, उसके चैन इफेक्ट कैसे आएंगे, फिर बात करेंगे कि इसको एक्सप्लेन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला बात करते हैं डिमांड इंक्रीज कर रही है। आप सबको पता है कि क्या बात है यहां पर, कि मार्केट आपकी इक्विलिब्रियम में है। मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब है ये रही आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। अब यहां पर क्या समझना है आपको, डिमांड इंक्रीज कर गई है। जो बच्चे जिनको नहीं पता उनको देख लो ध्यान से, डिमांड कर्व ये रहा, सॉरी ये रहा सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व जब भी इंक्रीज करेगा तो वो जाएगा आपका राइट वर्ड, यानी कि एस से एस वन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना ये क्या मतलब है, इंक्रीज, ठीक है। और जब भी सप्लाई कर्व में कहेगा डिक्रीज तो वो जाएगा आपका लेफ्ट वर्ड, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हो गया डिक्रीज। जब भी डिमांड कर्व के बारे में बात करेंगे तो डिमांड कर्व इंक्रीज करेगा तो जाएगा राइट वर्ड, ठीक है, इसका मतलब है इंक्रीज। और जब भी आपका डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब है डिक्रीज, ठीक है, लेफ्ट वर्ड आएगा। अच्छा एक बात और साथ साथ दिमाग में रख लो कि डिमांड कर्व में जब भी हम लोग इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर जाएंगे तो बोलते हैं अपवर्ड, और जब भी इधर से इधर आएंगे तो बोलेंगे लेफ्ट वर्ड। जब भी हम लोग सॉरी सप्लाई कर्व, जब भी हम लोग डिमांड कर्व में ऊपर से नीचे आएंगे तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, ठीक है। और जब भी हम यहां से यहां जाएंगे दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ये आपका एक्सटेंशन और ये आपका कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये चार बातें आप लोग दिमाग में बैठेंगे और सारे क्वेश्चन आसान से कर सकते हैं अटेम्प्ट। यहाँ पर क्या बोला मैंने, डिमांड इंक्रीज कर रही है। अभी आपने सीखा कि ये है आपका डिमांड कर्व, ये है आपका सप्लाई कर्व। देखो ये रहा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, ये रहा आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बहुत आसान है, ध्यान से पहले समझ देना अच्छे से। अब हुआ क्या, मार्केट में डिमांड चेंज हो गई है अदर फैक्टर्स के कारण, यानी कि इंक्रीज हो गई है, तो डी से क्या हो गया, डी वन हो गया, ठीक है। अब डी वन होने के चक्कर में ध्यान देना, इसने सप्लाई कर्व को कहाँ इंटरसेक्ट करा है, ऊपर। तो ऊपर जब इंटरसेक्ट किया तो यहाँ से क्या दिखा आपको, ये दिखा, यानी कि हुआ क्या, प्राइस इंक्रीज कर गई है, क्वांटिटी इंक्रीज करके नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया है। अब ध्यान देना कि यहाँ पे चैन इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि चैन इफेक्ट का मतलब क्या है, OX पे आपने क्या लिया, सेकंड पॉइंट OY पे आपने क्या लिया हुआ है, थर्ड पॉइंट आपका OP क्या है, फोर्थ पॉइंट आपका OP1 क्या है, फिर फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर OQ क्या है, ठीक है, सिक्स पॉइंट आपने OQ1 क्या बताया है यहाँ पर, ठीक है, OQ1 क्या बताया हुआ है आपने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर E का मतलब क्या है, एट पॉइंट E1 का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद नाइन पॉइंट DD क्या है आपका, दसवां पॉइंट D1 क्या है, सारा बताओ वहां पर। इलेवन पॉइंट SS का मतलब क्या है, यानी कि सप्लाई कर, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, मैं जो आपको नोटिस करा रहा हूँ, आपने क्या देखा कि मार्केट में डिमांड के इंक्रीज करने से क्या देखा गया आपको, प्राइस बढ़ गई है। तो याद रखो इस बात को हमेशा कि जब भी प्राइस इंक्रीज करता है तो उसके दो इफेक्ट होंगे, एक तो डिमांड कर्व पर और एक आपका सप्लाई कर्व पर। तो प्राइस के इंक्रीज करने से डिमांड में क्या देखने को मिलता है आप लोगों को, कॉन्ट्रैक्शन, और सप्लाई में क्या देखने को मिलता है आप लोगों को, एक्सटेंशन। अगर आप ये चीज डायग्राम पे देखने जाओगे तो हो सकता है थोड़ी मुसीबत आए, तो सिंपल सा तरीका है, पैसे इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला केस आपने देखा, कौन सा, डिमांड हमारा इंक्रीज कर गया है। अब डिमांड इंक्रीज वाला हो गया, अब बात करते हैं सप्लाई डिक्रीज कर रहा है। तो मान लो हमारे पास ये मार्केट इक्विलिब्रियम का पहले से ग्राफ हमने बना रखा है, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, सप्लाई डिक्रीज कर गई, तो सप्लाई डिक्रीज करने मतलब डिमांड कर रहा है आपका सप्लाई कर रहा है, तो सप्लाई डिक्रीज जब भी करेगा तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वर्ड जाएगा। तो इसने इक्विलिब्रियम पॉइंट को कहाँ काटा, यहाँ पर। तो ये क्या दिखा आपका न्यू, इसको नीचे सेम बना दो, तो ये क्या हो गया, ओपी से ओपी वन और क्यू से क्यू जीरो, यानी कि ऑटोमेटिक अपने आप देखने को मिलता है आपको, जो रियल फैक्टर होता है मार्केट में। क्या देखा आपने कि जैसे ही मार्केट में सप्लाई कम हुई तो प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, और क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, इसे E1 कहो या E0 कहो, जो मन करे, R कह लो, S कह लो, लेकिन कहो जरूर, ठीक है, नहीं कहोगे तो फिर बुरा मान जाएगा एग्जामिनर। तो ये रहा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट का वाला केस। अब आपने यहां पर क्या देखा, प्राइस इंक्रीज करा है, तो सेम आपको दोनों इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, और इस तरीके से आप यहां पर चैन इफेक्ट समझा सकते हैं इसको, ठीक है। याद रखना कि जब भी ये छह नंबर का क्वेश्चन आता है तो तीन नंबर यहाँ पर होते हैं आपके डायग्राम के, और तीन नंबर जो आपने ये चैन इफेक्ट दिखाया है इसको, और प्लस ये वाला पॉइंट यहाँ पर, ये सारा हिस्सा क्या करना होता है, थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको लिखना होता है सिंपल, कि जैसे हमने डिपिक्ट किया, ओ एक्स एक्स पे क्वांटिटी है, ओपी पे आपका ओ वाई एक्स एक्स पे प्राइस है, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओक्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ठीक है। मार्केट डिमांड इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से ई वन हो गया है, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी से ओपी वन हो गया है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओक्यू से ओक्यू वन हो गया है, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज करने से डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, सप्लाई में एक्सटेंशन हुआ है। तो ये सिंपल आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम के टॉपिक को, ठीक है। आई होप सो आपको वीडियो बहुत मजेदार लग रही होगी और इंजॉयबल लग रही होगी, ठीक है। बस एक बात कोशिश करा करो कि वीडियो को कम से कम कंप्लीट वॉच किया करो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो केस वन को मैं यहां से रब कर दे रहा हूं, ठीक है, और केस वन आपको समझ में आ गया। बाकी के दो डायग्राम आपका होमवर्क है, बना लीजिएगा और व्हाट्सएप पे दिखा दीजिएगा कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब देखो यहां पे साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस बस मस्ट डायग्राम है। देखो एक्स
वाई। अब देखो क्या होगा, मार्केट इक्विलिब्रियम में है आपका, ठीक है। अब क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज कर रही है, सप्लाई भी इंक्रीज कर रही है, तो डिमांड इंक्रीज कर रही है और सप्लाई भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई इंक्रीज करने से देखेंगे ध्यान से, तो अगर आप थोड़ा सा डायग्राम को, सॉरी ये यहाँ पर देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये थोड़ा सा फ्लो में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। कोशिश करा करिए कि फ्री हैंड बनाएंगे, क्योंकि आप स्केल से बनाएंगे आपका टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा, ठीक है। एक्स एक्सिस जीरो, वाई, ठीक है। ये रहा आपका डिमांड कर्व, ये रहा आपका सप्लाई कर्व। देखो क्या दिया, डिमांड आपकी इंक्रीज कर गई है और सप्लाई भी आपकी इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस ये था, अब कहाँ चला गया, ये रहा आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो आपने क्या देखा कि इक्विलिब्रियम प्राइस तो सेम रहा, लेकिन मार्केट में क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई, यानी कि ये था आपका एस कर्व, ठीक है, शाबाश। ये था आपका डिमांड कर्व और ये क्या हो गया, न्यू डिमांड कर्व। ये था आपका एस कर्व, ये क्या हो गया, एस वन। यहाँ पर इक्विलिब्रियम था, यहाँ पर इक्विलिब्रियम वन हो गया। यानी कि हुआ क्या, जब डिमांड और सप्लाई दोनों साथ में इंक्रीज कर जाती है, तो क्या देखने को मिलता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चेंज हो जाती है। अब चलिए ये वाला केस देखते हैं, ठीक है। मार्केट क्या है आपका, इक्विलिब्रियम में है। मार्केट इक्विलिब्रियम में होने के कारण क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई। तो पहले मार्केट इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज कर लीजिए, रहा आपका मार्केट इक्विलिब्रियम। अब हुआ क्या, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई डिक्रीज कर गई। तो डिमांड बढ़ने का मतलब डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई क्या हो गई है, डिक्रीज कर गई है, सप्लाई कम हो गई। तो सप्लाई कम हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। देखो ध्यान से, तो आप क्या देखा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ा है, जबकि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया, ओपी से ओपी वन हो गया है। सिंपल था ये, बस नाम नेमिंग कर दीजिएगा याद करके। यहाँ पर ये आपका एस से, ठीक है, एस वन हो गया है, सॉरी एस से एस जीरो हो गया है और डी से डी वन हो गया है। तो ये आपका इफेक्ट था पूरा का पूरा, समझ गए बात आप सारे के सारे। अब यहाँ पर ये वाला खुद कोशिश करके देखिएगा बना करके, मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ फटाफट से, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, साइमल्टेनियस चेंज हो रहा है, बट एक में ज़्यादा और एक में कम। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेशन है, ठीक है। कहीं सोच रहे हो आप बहुत डिफिकल्ट डायग्राम है, ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइस प्लीज़ एक काम कर दिया करो, फटाफट से चैनल को शेयर कर दिया करो, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत सारा कंटेंट अभी आने वाला है फटाफट डे टू डे में, ठीक है। कोशिश करेंगे, अभी तो लगातार हम लोग यूनिट वाइज भी रिवाइज करेंगे, 10 तारीख से स्टार्ट होगी गेम, ठीक है। देखिए ध्यान से, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम इंक्रीज हुई है। देखो सबसे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम बना लो, क्योंकि अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, अभी हम लोग रियल सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं। हुआ क्या, डिमांड ज़्यादा इंक्रीज करिए, ये लो एक काम करो, डिमांड कर्व कहाँ है, ये रहा आपका डिमांड कर्व। तो डिमांड ज़्यादा इंक्रीज कर दो, सप्लाई कम इंक्रीज हो रही है, यानी कि सप्लाई को कम इंक्रीज कर दो, क्या देखने को मिलेगा आपको, ये रहा, ये देख लो, ठीक है। यानी कि आपने क्या देखा, इक्विलिब्रियम प्राइस में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई, ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि एस से एस वन हो गया है और डी से डी वन हो गया है। सिंपल सा इफेक्ट है, इक्विलिब्रियम क्या हो गया, ई से ई वन हो गया। तो इस तरीके से आप 12 के 12 डायग्राम की कोशिश कर सकते हो। लेकिन जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन बात दिमाग में रखनी थी, वो क्या थी, मैंने आपको बताया कि डिमांड के फैक्टर में आपने क्या देखे थे, Px, ठीक है, Pr, Y, Yd, Z, उसके बाद Px, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ले लो, ठीक है। और सप्लाई के फैक्टर में आपने क्या देखे थे, Px, ठीक है, Pr, टैक्स, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, गोल ऑफ फॉर्म, नंबर ऑफ फॉर्म, प्राइस ऑफ इनपुट, ठीक है। अब ध्यान रखना कि कई बार इंडिविजुअल क्वेश्चन डिमांड और सप्लाई वाले चैप्टर से होता है, लेकिन बच्चा अटेम्प्ट कर लेता है मार्केट इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन को। तो बेटा जी ध्यान रखना कि जब भी आपको चैन इफेक्ट ना बोले, चैन इफेक्ट जैसे ही बोलेगा वैसे ही क्वेश्चन आपका मार्केट इक्विलिब्रियम का है, और चैन इफेक्ट वर्ड नहीं यूज किया तो मार्केट इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं है, दिमाग में बिठा लेना। इसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगी वो आएगी प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर की, उसको बिठाना दिमाग में, और 4 नंबर का क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है। अब पहला इसको समझ लो पहले, ठीक है, कि यहां से कैसा क्वेश्चन आता है। मान लो वो कहेगा कि मार्केट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट, मार्केट किस में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज करती है, तो इससे नॉर्मल गुड्स की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, मार्केट इक्विलिब्रियम में चैन इफेक्ट दिखाओ, ठीक है। मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्वेश्चन बता दिया है, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैट्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे डाले गए हैं। डू शेयर, डू लाइक एंड डू कमेंट क्या क्या नहीं आया आपको, ठीक है। सो सब कुछ आपके हाथ में है, मेरा काम केवल पढ़ाना है। आप मेरी वीडियो देखें या ना देखें केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप सबसे बेहतर हैं, और आपको पता है कि क्या कंटेंट है और क्या था पढ़ाने का तरीका है हम लोगों का, समझ में आया। तो देखिए मैंने क्या कहा आपका कि इसको यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। मार्केट जो है हमारी वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या हुआ कि मार्केट पे हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, एक्स हो गया, जीरो हो गया, वाई हो गया, मार्केट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। ये रहा मार्केट और इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब क्या कहा गया है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर के इंक्रीज होने से नॉर्मल गुड्स, तो भैया जी आपको पता है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर और नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं। तो इसका मतलब इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो डिमांड कर्व क्या हो गया आपका, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, इससे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ कटा, ये रहा आपका चैन इफेक्ट। तो ओपी से ओपी वन हो गया और ओक्यू से ओक्यू वन हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से ई वन हो गया, डी से डी वन हो गया, ये रहा आपका सप्लाई कर्व। इतना सिंपल था,
डन। अब यहाँ पर चैन इफेक्ट जब भी एक्सप्लेन करें तो कम से कम 8-9 पॉइंट्स को लेकर जाएं और डायग्राम सही बनाएं। डायग्राम सही बनाएंगे और पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो चैप्टर बहुत ही ईजी लगता है, ठीक है। और हो सकता है कुछ डाउट्स रह गए हों तो अगर आप 12th क्लास के हैं तो एग्जाम टाइम में बात करेंगे हम लोग। और हम लोग अभी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 यानी माइक्रो एंड मैक्रो का पूरा कंबाइंड रिवीजन, यानी कि एक साथ बल्क में ढाई ढाई घंटे की क्लास चलने वाली है। बहुत ही जल्दी इसकी डेट आप लोगों के साथ अनाउंसमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो वॉच करते रहिए। एक काम, शेयर और लाइक करना मत भूलिए। खुश रहिए, तब तक बाय बाय, टाटा।